एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो फिलहाल टाइम की बात करूँ तो 11 बज चुके हैं। तो सुबह कुछ भी ब्लॉग शूट किया ही नहीं, मन ही नहीं करा था। और आज भी थोड़ा बहुत बिजी थी क्योंकि वो लेबर वगैरह आए थे आज भी, क्योंकि वो काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, वो खेत भी जाए ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह काफ़ी लेट आ रहे हैं। मतलब कि 7 बजे से आ रहे हैं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो जल्दी नहीं आ रहे, तो लेट आ रहे वो लोग भी। तो फिर 8:30 बजे से जा रहे हैं। बाकी और कल का दिन का भी रह गया है काम, देखते हैं कब ख़त्म होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ रोज़ सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाने बना के बना मतलब कि सुबह सुबह उठ के रोज़ ब्रेकफास्ट बनाने को बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा जाता है। A few moments later. हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ? तो मैं पीओ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में आज मेहमान आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए सामान लेने जा रही हूँ। तो मेहमान कौन आ रहा है वो आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, तो आप लोग खुद देख लेना कि कौन आने वाले हैं आज मेरे घर में। तो मुझे अचानक से अभी एकदम से पीओ जाना पड़ा। तो बाकी मैं शिवानी दीदी के साथ पीओ जा रही हूँ, क्योंकि दीदी भी जा रहे थे अपने काम से, तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में पीओ पहुँच के। बाकी टीम से मिलिए। बोला गुड आफ्टरनून बोला गुड आफ्टरनून बोलो ना बेटा। आजा भाई, आजा भाई, मेरा चैनल के जाते ना वीडियो के सामने। हेलो बोलो तो, हेलो बोलो, बोलो हाय करो भाइयों, हाय करो। पता नहीं क्या हो गया इनके ब्लॉग में, कोई ये दो बच्चे मेरे ब्लॉग में हाय भी नहीं बोलना चाहते। पता नहीं कौन सी नाराजगी होगी इनको मुझसे। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाड़ी में बैठ चुके तो वैसा हमारे को छोड़ने आ रहे दीपक वैसा। एवरीवन, तो आज भी हम आए हुए मिड टाउन में दीदी और हम लोग लंच करने, क्योंकि लंच वगैरह घर से करके नहीं आए थे। तो दीदी का काम हो चुका है तो मेरा तो नहीं हुआ है अभी, बाकी लंच चले कर मेरा काम करेंगे। बाकी दीदी का काम हो चुका है ख़त्म, तो लंच करते हैं। बाकी मेरी यार दीदी से हेल्प बोल दी आप एक लंच कर क्या बोलूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में क्या देखते क्या मंगवाते फिर दिखाती हूँ आपको। बाकी आज का हमारा बनाना शेक देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हो कि कैसा बनता है बनाना शेक। खाना में बाकी स्नो भी हुई थी बनाना शेक, इससे आज यहाँ पे भी ट्राई किया जाए। और बाकी फ्राई राइस मंगाया हमने, तो पहले बनाना शेक पीती हूँ, फ्राई राइस तब तक आ जाएगा। बाकी टेस्ट करती हूँ। सर्व करने वाले आज हमारे को, नहीं यार टेस्टी होगा, पूरी डालो। Thousand years later. Hey everyone, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो अभी मैं घर पहुंची हूँ, तो बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आज कौन आने वाले। तो मम्मी वगैरह आने वाले, मम्मी और छोटी सिस्टर आने वाले, तो मैं उनके लिए कुछ मतलब कि कुछ लेने गई थी सामान वगैरह। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या लेने गई थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए क्या लेके आई। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर भी आने वाली है मम्मी के साथ, तो मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए जीन्स लेके आई हूँ, देख सकते हैं आप। मुझे बहुत प्यारा लगा, पता नहीं आपको कैसा अब मैं तो आपको क्या सॉरी मतलब उसको कैसा लगेगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा और कलर भी अच्छा लगा। तो बाकी आजकल ऐसे ही पहनते नीचे से खुला, तो ये और इसके साथ ऊपर से पहनने के लिए एक टॉप ले गई। टॉप तो क्या मतलब कि मोटे स्टफ में, हाँ टॉप ही बोल सकते हैं इसको, तो ऐसे ले गए क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो पतले तो मोटे पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि मोटे पहनेंगे तो मतलब कि ठंड नहीं लगता है। तो बाकी मैं उसके लिए ये लेके आई, ये और ये मैं मेरी छोटी बहन के लिए लेके आई। और बाकी मैं मम्मी के लिए दिखाती हूँ कि मैं आपको मम्मी के लिए क्या लेके आई। तो मैं मम्मी के लिए सूट लेके आई हूँ, देख सकते हैं आप। मैं मम्मा के लिए मैं सूट लेके आई, अच्छा सूट है, मोटा सूट है, तो पता नहीं है मम्मा को कैसा लगेगा। तो और एक मैं टोपी लेके आई थी मम्मी के लिए, तो मम्मी और हम दोनों को एक ही साइज़ का टोपी जाता है, तो जो मेरे सर में जाता है तो मैंने उसी साइज़ का मम्मी को भी लाया, अपने मतलब कि अपने साइज अपने नाप का ही टोपी लाया, अपने साइज़ का ही टोपी लाया मम्मा के लिए भी। बाकी बस यही यही सब चीज़ें मैं लाने गई थी।
मम्मी और शानू के लिए, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी क्यों आ रहे, मतलब कि सो मम्मी तो क्यों आ रहे उन्हें, तो बाकी मम्मी मतलब कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे कि मतलब कि नॉर्मल सभी जगह पे होता है ना कि एक बार मतलब कि अपने बेटी के वहाँ ससुराल जाते हैं जैसे मम्मी वगैरह, तो उनके लिए आटा तेल वगैरह लेके जाते हैं साल में एक बार। तो मम्मी भी आ जा रहे थे आटा तेल वगैरह लेके, क्योंकि मम्मी मम्मी क्योंकि जनवरी को भी आए थे दीदी के पास, तो मेरी दीदी ने भी यहीं पंगी में शादी किया है तो दीदी के पास आए थे, तो मैं थी नहीं तो मैं रामपुर गई थी, तो उस वजह से दीदी के पास आके उस टाइम चले गए थे मम्मी। तो फिर आज सुबह मम्मा ने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ बोल के, तो मुझे एकदम से पीओ जाना पड़ा। तो मम्मी आ रहे आटा तेल वगैरह लेके और छोटी बहन भी आ रही मम्मी के साथ। बाकी आप लोगों को पता है कि अगर साल में एक बार आते तो जैसे मम्मी आते तो फिर क्या बोलते कुछ ना कुछ देना वगैरह पड़ता है, तो सब जगह सभी लोग देते हैं ना जब अपने मम्मी वगैरह घर में अपने ससुराल मतलब कि अपने जब मम्मी वगैरह आपके ससुराल आते होंगे तो सभी देते होने तो मैं भी उस तरीके तो मैं भी देती हूँ हमेशा हर साल। तो मम्मी के लिए मैं सूट और टोपी लाने गई थी, और इस बार तो छोटी बहन भी आ रही तो वो भी पहली बार आ रही, तो मैं उसके लिए भी ऐसी थोड़ा बहुत कपड़े जैसे मतलब कि थोड़ा बहुत सामान लाने गई थी जो मैं लेके आ चुकी हूँ। बाकी देखते अब बाकी मम्मी आने के बाद आपको मम्मी से भी मिलाऊंगी मैं, मम्मी और शानू आने के बाद बाकी मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में, क्योंकि अब देखती हूँ अब थोड़ा कुछ काम है या नहीं है। और हाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलने भूल गई कि आज जो उस दिन हम मैं आपको मैंने दिखाया था कि मैं उस दिन लाबरंग जा रही थी, तो वो आज भी है हमारे यहाँ पे। तो आज मैंने बोला था कि आपको हम लोग एक दिन ऊपर जाते थनपंगी वालों के पास, तो अगले दिन थनपंगी वाले नीचे आते यनपंगी में, तो आज मतलब कि राहुल ने जाना था तो राहुल आ नहीं पाए, तो राहुल आज मुरंग है तो मुरंग से वो आने को लेट हो जाएंगे, तो उस वजह से पापा जा रहे हैं आज थनपंगी। मतलब कि आपको बोला था कि खाना वगैरह वहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता है, खाना खिलाते पूरा रात भर सोना नहीं पड़ता है, तो जो यनपंगी वाले जब थनपंगी जाते हैं तो फिर ऐसे ही करके, तो पापा जा रहे हैं आज थनपंगी, तो कल सुबह पापा उनको नीचे लेके आएंगे, मतलब रात खुलने से पहले आना पड़ता है, तो रात खुलने से पहले पहले कल उनको पापा फिर वापस नीचे यहाँ घर लेके आएंगे। तो मुझे कल सुबह भी बहुत जल्दी उठने का है, मतलब दो बजे तो मुझे उठने का ही है, तो 2 बजे उठ के मुझे फटाफट खाना वगैरह बनाने का है, क्योंकि वो लोग 4 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे, 4:30 बजे। बाकी मैं आपको कल ही करके दिखाऊंगी कि वो लोग कितने बजे पहुँचेंगे क्या वो सो, तो बाकी कल के बारे में मैं आपको कल ही बताऊंगी। तो बाकी मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में। एवरीवन गुड इवनिंग, तो मैं जा रही हूँ अभी यहाँ नीचे खेत में, क्योंकि सुबह जो लेबर लोगों ने काम किया था शायद वो उन लोगों ने पीछे से मतलब कि प्लेन नहीं किया था खोद के, तो मैं उसको दो थोड़ा बहुत उन्होंने लेट होने के चक्कर में प्लेन नहीं किया था, तो उसको मेरे को दिन को टाइम तक मिला नहीं, तो मैं अभी करने जा रही हूँ फटाफट से अभी करके आऊँगी। बाकी देख सकते हैं आप थोड़ा सा ये प्लान करने के लिए उन्होंने सिर्फ खोद के रखा था सुबह से, तो मैं इसको फटाफट से प्लेन करूँगी, बस यही तक ही है, बाकी यहाँ से पहले तो राहुल ने किया हुआ है प्लेन, तो हाँ बस इतनी ही है प्लेन करने का, बाकी यहाँ से तो किया हुआ है प्लान वगैरह कर लिया, तो अब घर जा रही हूँ, क्योंकि था नहीं थोड़ा सा ही करने का था प्लान, क्योंकि बाकी किया था सुबह राहुल ने तो अधूरा बाकी आधा उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसको लेट हो रहा था, तो फिर प्लान वगैरह हो गया, तो अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी वगैरह भी आने वाले, मुझे फटाफट से खाना बनाना है, तो अभी क्या बनाऊँगी ऊपर जाके सोचूंगी कि खाना वगैरह क्या बनाऊँ। बाकी मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में। A few moments later. आया मेरे घर में, कौन आया भाई, ये कौन बता रहे भाई आज? मम्मी क्या लेके आ रहे हो बताओ जल्दी से। मैंने दिखाया आपको मम्मी वगैरह आ चुके हैं, तो अब खाना वगैरह बनाना है, तो मम्मी मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, और मन्नत के लिए छोटा वाला लेके आए हैं, मेरे लिए बड़ा वाला लेके आए हैं। तो बाकी और मम्मा पेस्ट्री लेके आए हुए मन्नत के लिए बहुत सारा, तो खराब हो चुका है, बहुत ही यम्मी पेस्ट्री है, और लड्डू वगैरह लेके आए हुए। बाकी मिलती है आपसे अब कल की ब्लॉग में, मैं फटाफट से खा लेती हूँ वरना मैं ब्लॉग बुलाते रह जाऊँगी, तो मन्नत ने सब कुछ खा के ख़त्म भी कर लिया है, मुझे कुछ भी नहीं रखना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अब कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, अच्छा बाय बाय, गुड नाइट, और हैप्पी होली सबको एडवांस में, ठीक है, फिर बाय।